किसान मोर्चा दिल्ली से ऐलान हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था वही आंदोलन इनके खिलाफ लड़ रहे हैं कि आपकी नीतियां देश की बर्बादी की तरफ हैं। आप मोदी ने ये कानून लेके आए हैं कि इसमें सज़ा नहीं होगी, उसके अंदर FIR आप पुलिस थाने में नहीं होगी, उसमें अदालत उस पर विवेचन नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। यहाँ एक और गंगानगर के अंदर BJP लीडरों और किसानों के बीच मचा था घमासान, लाठीचार्ज भी हुआ, किसान घायल भी हुए। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जिला मुख्यालय पर भगत सिंह चौक पर किसानों ने लगाई है संसद। आपको बताना चाहेंगे कि किसान संसद लगाने से पूर्व पैदल यात्रा करते हुए डबली टोल नाका, कोला टोल नाका, नगराना टोल नाका से चलकर भगत सिंह चौक पर नारेबाजी करते हुए पहुँचे थे तथा तीनों कृषि कानून का विरोध जताते हुए रास्ते में आम जन को जानकारी भी दे रहे थे। भगत सिंह चौक पर किसानों ने दिल्ली की तर्ज पर संसद भी लगाई है ताकि तीनों कृषि अध्यादेश कानून का विरोध जता सके। जितने भी साथी पहुंचे हैं सबको क्रांतिकारी साथी हैं जो पिछले लंबे समय से इन काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर इलाके के अंदर सभी टोल प्लाजाओं पर अपनी आवाज बुलंद करे हुए हैं। क्योंकि अभी हमारे कोला के कुछ साथी आना बाकी हैं, कोला से जो हमारा जत्था चला है साथियों का उनका यहाँ आना बाकी है, उनके यहाँ पहुंचते ही किसान संसद। किसानों के द्वारा व्यापारियों को, मजदूरों को और आम जनता को खासकर शहर के अंदर आकर्षित करने के लिए ही भगत सिंह चौक पर लगाई है संसद, ताकि आम जनता को पता लग सके कि काला कानून क्या है, तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के विरोधी किस प्रकार हैं। वैसे किसान अपने आंदोलन को अलग अलग रूप देते हुए चलाए हुए हैं। हनुमानगढ़ में 9 अगस्त को अलग रंग में दिखेंगे किसान, इस पर भी संसद में आज चर्चा की गई है। किसानों ने जो संसद लगाई है उस पर चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं कि किसान नेता रमेश वर्मा का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। जी बताइए। आज हनुमानगढ़ ज़िले के संयुक्त मोर्चा जो किसान नेता हैं उन्होंने बैठ के तय किया है कि डबली मक्का से टोल प्लाजा से, नगराना टोल प्लाजा से और कोला टोल प्लाजा से यहाँ से किसानों के जत्थे पैदल चल के आएंगे और यहाँ बैठेंगे। हम यहाँ किसानों के सवालों पे सब पे चर्चा करेंगे और आगे के कार्यक्रम को भी हम तय करेंगे। इसीलिए आज जो है जैसे डबली मक्का सर का जो जत्था चला वहाँ मक्का सर के अंदर उन्होंने पंचायत घर के अंदर सब लोगों का स्वागत किया, वहाँ 250-250 किसान इकट्ठे हुए और उसके बाद वो भी हमारे साथ जो है यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। इसी तरह से नगराना से चल के आए हैं, अभी पहुँच रहे हैं 2-4 मिनट में और जो है ये टोल प्लाजा कोलावाड़ा से। असल सवाल ये है कि किसानों को 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया लड़ते हुए, 650 किसान शहीद हो गए और एक ही मांग कर रहे हैं कि देश की किसानी को बर्बाद करने वाले, देश के रोज़गार को बर्बाद करने वाले और देश की जो अर्थव्यवस्था खेती पे टिकी हुई है उस सब को तबाह करने वाले ये जो काले कानून हैं इन कानूनों को आप वापस ले। सरकार नहीं, असल वो कह रहे हैं जी इसमें संशोधन कर लो। किसान कह रहा है हमारी डेथ के वारंट है, अगर किसी को मारना हो उससे कहे तुम कैसे मरोगे ये आप तय करो, हम उसमें लिखने के लिए तैयार हैं कि गोली से मारेंगे या जहर देके मारेंगे। हम कह रहे हैं मौत है, मौत किसी भी तरह की हो, खतरनाक हो, इनको वापस करो। हम जब तक ये वापस नहीं करेंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे। हमने 650 किसानों की जो है शहीदी दी है और अब जो है किसानों का काम जो है करीब करीब कुछ कम हुआ है, अब दोबारा जो है वो लोग शामिल हो रहे हैं और इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से ऐलान हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था वही आंदोलन इनके खिलाफ लड़ रहे हैं कि आपकी नीतियां देश की बर्बादी की तरफ हैं, आप देश को आबाद नहीं कर सकते, इसलिए देश की से हटो, दूर हटो और यहां से हमें माफ़ करो और जाओ। 9 अगस्त का बड़ा प्रोग्राम। मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपया मंडियों के पोल भरने के लिए दिया, बिल्कुल दिया है। हमारे यहाँ जब हमने गाय या भैंस बेचनी होती है तो उसको दूध पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको ठीक करते हैं ताकि उसकी कीमत अच्छी मिले।
इन्होंने रेल के अंदर इन्होंने पैसा खर्च किया था, इन्होंने LIC के अंदर पैसा खर्च किया था। ये पैसा खर्च लोगों को बेचने के लिए कर रहे हैं, वरना हमारी जो मंडियाँ थी उनको यथावत रहने देते, ये इस कानून लाने की क्या ज़रूरत थी। मंडी में हम सुरक्षित हैं, सरकार का प्रतिनिधि होता है जो खरीद को और बेचान को दर्ज करता है, किसने बेची है फसल, किसने खरीदी है, और अगर उसमें कोई बेईमानी होती है तो उनको सज़ा होती है। मोदी ने ये कानून लेके आए हैं कि इसमें सज़ा नहीं होगी, उसके अंदर FIR आप पुलिस थाने में नहीं होगी, उसमें अदालत उस पर विवेचन नहीं करेगी। कोई अगर ये कहे, जहाँ सबसे बड़ी हमारी जुडिशरी है उसको कहे, ये इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, SDM करेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी की घराड़िया के घरवाड़ियों के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, हम उम्मीद करते हैं कि SDM उनके खिलाफ फैसला लेगा, अडानी और अंबानी के। ये संभव ही नहीं है, ये देश को बर्बाद करने का है। इसके खिलाफ किसान लड़ेगा, मरते दम तक लड़ेगा, जब तक जान है हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि किसानों के द्वारा BJP के विधायकों और लीडरों का विरोध हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी शुरू किया हुआ है। पिछले दिनों BJP विधायकों के द्वारा जब गांव के अंदर सभाएं करने के लिए गए थे तो किसान जथेबंदियों के द्वारा उनका भी विरोध किया गया था, लेकिन गंगानगर के जो अंदर घटना हुई है वह नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना विरोध करने का हक है, उसे प्रजातंत्र के अंदर अधिकार दिया हुआ है कि वे अपनी मांग को उठा सकता है, लेकिन हमें इस प्रकार आपस में घमासान मचाने से बचना ही चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।